एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल। और मैं हूँ कैरीना। आज मैं आई हूँ गोरेगांव, गोरेगांव ईस्ट में। आज मैं आई हूँ एक ऐसे जगह पे जो स्पेशलिटी करती है हर एक क्विजीन में, जैसे कि इनके पास तंदूर आइटम बोलो, चाइनीज आइटम बोलो, फिश के आइटम बोलो, चली कोंकणी मालवानी डिशेस, काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती है विद द अदर इंडियन क्विजींस। जब मैं इनके ऊपर रिसर्च करी थी तब मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों को चाइनीज़ खाना भी पसंद है, फ़िश खाना भी पसंद है, चाइनीज़ के आइटम में फ़िश खाना भी पसंद है। ये कुछ चीज़ मुझे अच्छा लगा, डिफरेंट लगा, जो मैं ट्राई करना पसंद करूँगी क्योंकि कुछ नया है। तो मैं आज आ गई हूँ रत्नागिरी मालवानी रेस्टोरेंट। इसका अगर लोकेशन वाइज बोल दूँ तो ये आता है वज्रेश्वरी टेम्पल के ऑपोजिट में, जो फिल्म सिटी के रोड पर आता है, और गोरेगांव ईस्ट, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलो इंट्रो ज़्यादा बड़ा नहीं करते, अंदर जाते और देखते क्या क्या खाने में मंगाते। लेकिन उससे पहले आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि आप मेरा कंटेंट मिस ना करें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है गाइस, प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि मेरे पास एक ही माध्यम है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो चलिए अंदर जाते हैं। तो गाइज, मैं अभी अंदर आ चुकी हूँ। अंदर आने के साथ साथ ही है ना, मुझे मेन्यू कार्ड मिल चुका है। जो सिटिंग एरिया है ना, काफ़ी अच्छा है, कॉम्पैक्ट सा जगह है। ये थोड़ा छोटा सा है, इसका जो दूसरा ब्रांच ओपन किया ना, इससे भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे भी आपको ना काफ़ी अच्छा जगह मिल जाएगा। अगर आप इसका एम्बियंस का बात करोगे ना, यहाँ पे फिश टैंक, टीवी, एकदम अच्छे से कॉम्पैक्ट जगह में काफ़ी अच्छा सजाया गया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे चाइनीज़ मालवानी फूड काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, दो फिश के आइटम मंगाए, एक चाइनीज़ क्यूजीन में मंगाया और एक ना फ्राइड फिश केस में मंगाया। जैसे ही आता है मैं आपको बताती हूँ। हमारी पहली डिश आ चुकी है जो मैंने मंगाया, उसका नाम है सुरमई हरी मिर्च। ये देखिए, ये मैंने ना सुरमई को एक चाइनीज़ स्टार्टर में मंगाया। मैंने कभी भी चाइनीज़ स्टार्टर में फ़िश नहीं खाई है अपनी, सुरमई बोलो, पापलेट बोलो, तो ये मैंने सुरमई मंगा ली है। यहाँ की ये इनकी स्पेशलिटी डिश में काउंट होती है। ये मैंने काफ़ी पढ़ा भी था कि लोगों को काफ़ी पसंद है, तो अभी खा के देखती है कैसा है करके, पहले सर्व कर लेते हैं। तो मैंने मेरे प्लेट में ले लिया है, ये देखिए, इसमें ना एक्चुअली ये सुरमे की फ़िश है, इसको मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरी सुरमे की फ़िश है जो बोनलेस होती है, और उसके ऊपर है ना, मुझे एक्चुअली इसको तोड़ने के बाद है ना, फ़िश का अरोमा आ रहा है यहाँ तक, पूरा अरोमेटिक है, और है ना मेरे मुँह में लिटरली ना पानी आ रहा है क्योंकि उसका स्मेल इतना अच्छा है। इसके ऊपर मुझे स्प्रिंग अनियन दिख रहा है, विच इज़ रियली लुकिंग टेम्पिंग। सो लेट्स हैव दिस एंड टेक अ बाइट। यू नो, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जो सुरमई को मैं एक चाइनीज़ स्टार्टर में खा रही हूँ, बट इट इज़ सो डिलीशियस। हल्का सा स्पाइसी नोट पे, लेकिन ग्रीन मसाला होने के कारण है ना, जो हम पहाड़ी चिकन खाते हैं, जो हम ग्रीन मसाले में एक्सपेक्ट करते हैं, पुदीना, धनिया और है ना जो स्प्रिंग अनियन है, वो सारे इसके स्वाद में आ रहा है। बोन हटा के ये उसमें स्टर करके मसाले में दिया है। इवन दो दिस इज़ अ चाइनीज़ डिश, बट इसमें ना अजीनोमोटो नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और है ना, लिटरली इसको खाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और एक बाइट लूँ, और एक बाइट लूँ। इट इज़ सो एडिक्टिव, सो गुड, हॉट, नाइस। अगर आप चाइनीज़ पसंद करते हो, फिश पसंद करते हो ना, ये आकर ट्राई करो, कुछ नया है, कुछ अच्छा है। तो मेरा भी दूसरा डिश भी आ चुका है, मैंने मंगाया प्रॉन्स तवा फ्राई। ये देखिए, प्रॉन्स एकदम मस्त उन्होंने ना तवा फ्राई करके दिया है। आपको शायद ये वीडियो में छोटे लगते रहेंगे, लेकिन ये काफ़ी मीडियम साइज़ के प्रॉन्स है, और मसाला भी ना एकदम थोड़ा जूसी लग रहा है बीच में से। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और खा के देखते हैं कैसा है। इसमें ना आई थिंक उन्होंने स्मोक भी किया, पता नहीं, हल्का सा ना स्मोकी चारकोल का फील आ रहा है, और ये इतना स्वादिष्ट लग रहा है ना, इसका जो तवा फ्राई किया है, इट इज़ वेरी लेस ऑयल, और ना एकदम इसका जो क्रस्ट हुआ है ना तवा फ्राई करने के कारण, वो एक अलग ही टेस्ट ला रहा है उसमें, और मसाले भी अच्छे से कोटिंग किए। इट्स अ इंडियन स्पाइस्ड, मतलब मसाले डाल के उसको अच्छे से कोट करके ना, उनका जो स्पेशल मसाले, वो मसाले इसमें डाल के उन्होंने मैरिनेट किया और फिर अच्छे से उसको तवा फ्राई किया। आप मेरे वीडियोस पहले से देखते हो तो मुझे फ़िश के साथ है ना थोड़ा लेमन फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं पहले ना नींबू स्क्वीज़ कर लेती हूँ। आहा, अब खा के देखते हैं कैसा लगता है।
एक्चुअली ना खट्टापन कोकम हो नींबू हो फिश में ऐड करने से ना उसकी स्वाद है ना अलग लेवल पर लेके जाती है। बहुत अच्छा मुझे यहाँ का स्टार्टर्स खा के इतना अच्छा लग रहा है ना कि मेरा थर्ड स्टार्टर भी आ गया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने मंगाया प्रॉन्स गोल्डन फ्राई और ये लिटरली ना मैंने शिनचैन कार्टून जब भी देखती थी ना बचपन में वो उसमें दिखाते थे प्रॉन्स ऐसे करके वो लोग खाते करके। सो दिस इज़ मैंने बोला यहाँ पे क्यों नहीं ट्राई करती अगर मुझे फिश अच्छा ही लग रहा है एंड इफ दे हैव द ऑप्शन। तो देखिए एकदम प्रॉन्स को एकदम लंबा काटा जाता है और स्क्विड को जैसे हम लोग गोल्डन फ्राई करते हैं वैसे उसको क्रंची लुक दिया है। इट लुक्स रियली टेम्पटिंग एंड वेलकमिंग टू मी और है ना एक छोटा सा टेल भी रखा है। चलो खा के देखते हैं कैसा है। पहले मैं पहले ऐसे ही खाने वाली हूँ और फिर चटनी के साथ। कुछ भी बोलने से पहले मैं बोलूँगी ये मस्ट ट्राई डिश है। मैं जो भी फिश खा रही हूँ ना ये देखिए अंदर से तो पूरा वाइट है और है ना एकदम फ्रेश लुक है एकदम स्टीमी हॉट है और क्रंच क्या है इसका। थोड़ा चलो चटनी के साथ खा के देखते हैं चटनी किस चीज़ की मुझे पता नहीं है। लेट्स हैव इट। इट्स नॉर्मल सेजवान चटनी बट आई वुड प्रिफर ये इतना स्वादिष्ट है ना मुझे चटनी की भी ज़रूरत नहीं है ये ऐसे ही आप खा सकते हो। इट इज़ अगेन अ एडिक्टिव डिश। मुझे प्रॉन्स अच्छा लगा था बट प्रॉन्स गोल्डन फ्राई और भी ज़्यादा अच्छा लगा है। दिस इज़ अ मस्ट ट्राई डिश ओवर हियर। फिश खा रही हूँ तो ऑफकोर्स इतना कुछ खाने के बाद तो मैं कुछ पीना पसंद करूँगी तो मैंने सोल कर भी मंगा लिया। सोल कर भी ना एकदम मस्त कलर पिंक कलर है पी के देखते हैं कैसा है। पी के ना सोल कड़ी ना ठंडक मिलती है सुकून मिलता है। इट्स लिटरली सोल कड़ी को ना परफेक्ट नाम दिया है। इट इज़ जस्ट सोल सूदिंग फूड सो सोल कड़ी परफेक्ट एकदम। और इसके बारे में मैं कितने बार ही बात कर चुकी हूँ इसके अंदर ठसका है एक्चुअली परफेक्ट है कोकम का पंच है और कोरिएंडर लीव्स दिया है और फिर अच्छे से कोकम को मिक्स करके वो इज़ जस्ट परफेक्ट। अगर आप यहाँ पे आते हो ये भी ज़रूर ट्राई करना ये भी बहुत अच्छा है। थोड़ा चिल्ड कम है मेरे लिए चिल्ड और थोड़ा ज़्यादा होता तो चल जाता लेकिन टेस्ट ही ज़रूर है। तो मेरा और एक डिश आ गया है मैंने मंगाया बोमबिल फ्राई। ये देखिए एकदम डीप फ्राई गोल्डन बोमबिल फ्राई और इट इज़ लुकिंग सो नाइस क्रंची। थोड़ा सा ना लींबू मार देती हूँ ताकि और मज़ा आ जाए। ये देखिए मैं थोड़ा लींबू मार देती हूँ स्क्वीज़ कर देते हैं अच्छे से। ये वाला पीस लेंगे तो ये वाले पीस में ज़्यादा मार दिया मैंने। ये देखिए आहा एकदम गरम गरम है अभी ही निकाला है इन्होंने। इट्स वेरी हॉट वन सेकेंड। ये देखिए आहा थिक नाइस कोटिंग वेरी यमी। ये वाला पोर्शन लेते हैं मीठी फिश। चलो खा के देखते हैं। वो फिश खाती हूँ और बोमबिल नहीं खाऊंगी ऐसा हमेशा हुआ नहीं है तो आज भी मैंने बोमबिल मंगा लिया अभी खा लेते हैं। बोमबिल का ना आप रवा फ्राई करो तवा फ्राई करो वरना कुछ भी करो बोमबिल एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोगों को पसंद आती है और अच्छी तरह से ना ढल जाती है हर चीज़ में। खाली इसकी सीजनिंग अच्छी होनी चाहिए जो है यहाँ पे खट्टापन अच्छे से लगना चाहिए जो है बस अगर वो सब परफेक्ट रहता ना तो बोमबिल विल नेवर गो रॉन्ग एंड दिस इज़ रियली परफेक्ट। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्रंच टेस्ट और उसका जो कोकम का इफेक्ट है परफेक्ट। तो मेरी आ गई है फाइनल डिश वो है थाली। मैंने मंगा लिया ना सी फूड थाली जिसमें थोड़ा थोड़ा करके मुझे सब कुछ टेस्ट मिलेगा। ये देखिए तो सी फूड थाली में क्या होता है ना सी फूड थाली में हर एक सी फूड का एक छोटा छोटा जो भी आपको टेस्टिंग मिल जाएगा मतलब छोटे छोटे वाटी में उन्होंने हर एक सी फूड डालने की कोशिश की है। अगर आपको स्पेसिफिक थाली मंगानी होगी तो आप वो मंगा सकते हो बट दिखाने के लिए अगर मुझे सब कुछ दिखाने मिल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सी फूड थाली मंगा लूँ। तो ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ पहले इसमें प्रॉन्स दिया हुआ है प्रॉन्स मसाला। सेकेंड इसमें हमें जो मिला है वो है सुरमई करी और एक सुरमई का छोटा सा पीस है। इसमें है मोरी मसाला आई थिंक दिस इज़ क्लैम्स अपना शिमला है शिमला का मसाला है। ये क्रैब्स है हमारे हाथ देख के ही पता चल रहा है इसके अंदर क्रैब्स होने वाला है और ये है सोल कड़ी और यहाँ पे दे दिया है सुरमई फ्राई। सुरमई का फ्राई थोड़ा थिक है
और है ना तवा फ्राई किया है मस्त, जैसे हम लोगों ने प्रॉन्स मंगाया था वैसा ही है, और है ना काफ़ी मांदली दे दी है, मांदली को उन्होंने राइस फ्लावर और रवा का कोटिंग किया है। हमेशा मैं आपको चपाती नहीं तो घावने लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, नहीं तो वाइट भाकरी जो रहता है वो दिखाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा इस बार ज्वार का भाकरी लेते हैं। तो ये देखिए एकदम मस्त, मैंने प्लेट है ना मेरे तरफ घुमा लेती हूँ, ज्वारी की भाकरी जो मैंने मंगाई है वो एकदम बड़ी है, मेरे चेहरे से भी बड़ी है और थिक भी है। स्मेल है ना इसका काफ़ी अच्छा आ रहा है क्योंकि इसको फ्रेशली मेड है, जो भाकरी होते हैं ना उसके जो गर्म गर्म बनाते हैं ना उसका एक अरोमा एक अलग सा होता है, अगर आप नोटिस करोगे ना बहुत यमी सा होता है। चलो मैंने एक छोटा सा पीस ले लिया है, अब मैं क्या करती हूँ ना पहले मोरी मसाले के साथ ट्राई करती हूँ जो बेबी शार्क भी जाना जाता है। ये देखिए इसके साथ थोड़ा मैंने ग्रेवी भी ले लिया है, चलो खा के देखते हैं। गुड, इसमें ना कोकोनट पंच है और ना कोकम का अच्छा स्वाद है, इसमें ना मालवानी पंच है मतलब कोकम का टेस्ट है, कोकोनट बेस्ड है, और है ना मोरी का जो साइज है ना जो मुझे पर्सनली पसंद है सेम वैसा है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा नहीं, और है ना बहुत ज़्यादा यमी है ये। अभी ना आपको मैं तीसरा खा के दिखाती हूँ जिसको क्लैम्स भी बोलते हैं, ये देखिए ये तीसरा सूखा है, इसको खा के देखते हैं कैसा है, मस्त तो लग रहा है एकदम, ग्रीन कलर की करी है, लेट्स हैव इट। मीटी का टेक्सचर जूसी, वाओ, आपको आवाज़ आया कि नहीं, बट मुझे तो खा के मज़ा आ गया, कोकोनट ही बेस्ड है, स्पाइसी ज़रा भी नहीं है, मैंने इसके पहले वाला जो भी ग्रेवी खाया वो भी नहीं है, बट जैसे बहुत फ्लेवरफुल है, यमी है, मैं साफ़ कर दिया पूरा एक ही झटके में। इसका जो कलर है ना जैसे ग्रीन कलर वाला बेस्ड है, उसमें भी मुझे कोकोनट फील हो रहा है, और है ना कोकम का पंच इतना नहीं है, कोकम का पंच इतना नहीं है, लेकिन मुझे इसमें ना हरी मिर्चें दिख के आ रही है, शायद इसमें मिर्च का स्वाद उससे ला गया, टमाटो दिख के आ रहा है, कांदा दिख के आ रहा है, टमाटो दिख के आ रहा है, ये देखो टमाटो दिख के आ रहा है, कांदा दिख के आ रहा है, तो ये गिरवाई है ऑरेंज वाला आई मीन रेड, ये टमाटो दिख के आ रहा है, कांदा दिख के आ रहा है, कोरिएंडर लीव्स है, और इसमें हरी मिर्च का स्वाद ला गया है। अभी मैं सुरमई आपको खा के दिखाती हूँ, सुरमई का ना उसके लिए भी मैं थोड़ा भाकरी ले लेती हूँ, सुरमई का कलर भी थोड़ा सा रेडिश कलर है, और यहाँ पे ना मैं छोटा सा पहले पीस ले लेते हैं, हाँ इसका टेक्सचर है ना थोड़ा गोवन करी के जैसा है, फिश एकदम मेरे को फ्रेश लग रहा है, ये देखिए आहा मज़ा आ रहा है। चलो इसको थोड़ा सा ग्रेवी भी लेते हैं ऊपर से, चलो खा के देखते हैं। इसको ना राइस के साथ ना मिक्स करके मज़ा आएगा, ये एक्चुअली में ना हल्का सा मुझे गोवन करी जैसा फील हो रहा है, उसका जो माइल्ड टेक्सचर होता है ना उसका जो माइल्ड टेस्ट होता है वही आ रहा है इसमें, अगेन ईच एंड एवरीथिंग इज़ ए कोकोनट बेस्ड, इसका जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो थोड़ा पतला है, नॉट लाइक मसाले जैसा, इट्स अ ग्रेवी बेस्ड। प्रॉन्स खा के देखते हैं, प्रॉन्स मसाला जो है ये देखिए मैं आपको प्रॉन्स मसाला दिखाती हूँ, ये भी ना एकदम थपथपित लग रही है मुझे, चलो ये ना मैं साइड में थोड़ा निकालती हूँ, और है ना इसको भी भाकरी के साथ खा के देखते हैं, थोड़ा सा प्रॉन्स तोड़ते हैं, इसमें मुझे थोड़ा छोटे छोटे प्रॉन्स दिख के आ रहे हैं, देखिए मैंने तोड़ लिया है, ये देखिए अब मैं ये खा के देखती हूँ, प्रॉन्स मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा है, वाह इनके ना मुझे सारे प्रॉन्स के डिशेस काफ़ी अच्छे लगे, प्रॉन्स तवा फ्राई खाया, प्रॉन्स गोल्डन फ्राई खाया, प्रॉन्स मसाला टू गुड, इसमें कोकोनट कोकम और जो कांदा उसमें जो वाटप डाला गया उसका एक अच्छा सा स्वाद आ रहा है, लहसुन कोकोनट को एकदम परता गया अच्छे से जिसके कारण थोड़ा ऑयल सेपरेट हुआ है ना उसका स्वाद काफ़ी बढ़िया आ रहा है, मुझे प्रॉन्स के डिशेस ना यहाँ पे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे क्रैब्स भी है, क्रैब्स है ना मैं पहले ऐसे ही खा के देखना पसंद करूँगी, ये देखिए पहले मैं ग्रेवी टेस्ट करती हूँ, पहले मैं ये ग्रेवी टेस्ट करके देखती हूँ फिर हम ये खाएँगे, चलो। हल्का सा स्पाइसी है, गरम मसाले का स्पाइस है, उसमें ब्लैक पेपर का स्पाइस भी है, काफ़ी पता चलेगा, ये देखिए मुझे ना मराठी वर्ड में ओमकार ने बोला कि इसको पेंदा बोलते हैं,
और इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ये बीच का पोर्शन है। अगर मैं ऐसे ही बताने चाहूँ तो ये क्रैब का लोअर बॉडी का पोर्शन है। मुझे ज्यादातर इसका ढेंगा हैंड्स ज्यादा खाना पसंद है। वाह, बहुत मजेदार है। मेरे तो मुंह में पानी छूट रहा है। एकदम मीठी है ये, देखिए एकदम फ्रेश। इसके अंदर है ना एकदम भर के फ्लैश है, एकदम फ्रेश है। इसलिए ना अब जब भी फिश खाओगे ना, अगर फिश एकदम फ्रेश रहते हैं ना तो खा के और मज़ा आ जाता है। एक्चुअली है ना मुझे ना क्रैब्स खाती हूँ ना, तो मुझे इसके हाथ के जो पोर्शंस होते हैं वो खाना बहुत पसंद है। चलिए अभी मैं आपको खा के दिखाती हूँ सुरमई फ्राई। ये देखिए ये सुरमई फ्राई जो तवा फ्राई किया है इन्होंने, ये देखिए हाँ अंदर से फुल वाइट है, मसाला एकदम कोटिंग अच्छे से किया है और जो कलर है ना ऊपर, वाह जस्ट अमेजिंग। इसमें ना पता नहीं इन लोग किस तरह से तवा फ्राई करते हैं, हल्का सा एक स्मोकी फ्लेवर आता है जो मुझे प्रॉन्स तवा फ्राई में भी आया था और सेम मुझे सुरमे में भी आ रहा है। आई थिंक दैट टेक्निक इज़ वेरी डिफरेंट बट टू गुड। उसका जो स्मोकी फ्लेवर आ रहा ना इज जस्ट एलिवेटिंग योर डिश टू अनदर लेवल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सॉफ्ट, नॉट टू क्रंची, नॉट टू स्पाइसी बट फ्लेवरफुल, वेरी नाइस गुड फिश एंड फ्रेश फिश। तो गाइज ये मैं फिनिश करती हूँ और आपको मिले थोड़ी देर में। यहाँ पे खाना खा के मज़ा आ गया। मैंने जो लास्ट में थाली मंगाई थी मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैंने पैक कर लिया, मैंने राइस और मंगाया नहीं और खाया नहीं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो क्योंकि मैंने यहाँ पे ना काफ़ी अलग अलग आइटम्स मंगाए थे। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो शूट किया था आचरे कर्ज में, वहाँ पे भी मैंने अलग अलग आइटम्स मंगाए थे तो मुझे ढेर सारा प्यार मिला वो वीडियो में। तो उससे समझ आता है कि आप लोगों को हमेशा थाली देखना पसंद नहीं, उसके अलावा भी डिश देखना है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो में भी ट्राई किया है टू शो यू अदर फूड ऑल्सो, अदर स्टार्टर्स ऑल्सो। आई होप यू हैव लाइक दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए बाय शेयरिंग माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और है ना सब्सक्राइब कीजिए गाइज, उससे है ना मेरे चैनल को सपोर्ट भी मिलेगा और मेरे पास एक ही माध्यम है आप तक पहुंचने के लिए। सो विद दिस गाइज आई वुड लाइक टू एंड आवर वीडियो ओवर हियर। अंटिल देन लीव लव, कीप ट्रैवलिंग, बाय।